ये एक स्ट्रीट डॉग है, इसका नाम हमने मुफासा रखा हुआ है। ये कम से कम 4 से 5 साल पहले आया था, बट ये आज़ाद है, ये गली में भी घूमता है और हर जगह घूम के फिर ये इसका ठिकाना यहीं होता है रात और दिन। पहले ये क्या करता था, जो बाहर मैट रहता है, पायदान जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर सोता था। फिर हमने सर्दियों, जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हम इसका घर बनाने लगे। ये घर को तोड़ता रहता है क्योंकि ये जंप करके ऊपर बैठ जाएगा, अंदर इसको चैन नहीं आती। अगर कुर्सी भी रखी होगी तो कुर्सी के ऊपर भी ये चढ़ के बैठता है, और नीचे कुछ भी बिछा होगा तो उसके ऊपर नहीं बैठेगा। मतलब इसको हाइट चाहिए होती है, तो ये इसका है। इसलिए ये हर डेली इसका मैं घर बनाती हूँ, 2 दिन 3 दिन में ये तोड़ देता है इसको। और यही मेरा प्रोसीजर पूरी सर्दी, मतलब जैसे हर सर्दी का यही प्रोसीजर रहता है मेरा। और ये बहुत अच्छे से एक चादर को ओढ़ के सोता है, और अगर इसको नहीं उड़ेगी तो पाँव से ऐसे कर करके ये पूरा ही उसके अंदर घुस जाता है, और बहुत अच्छे से जैसे हम लोग ओढ़ते हैं ऐसे ही ओढ़ता है। और इसकी गद्दियाँ रखी हुई हैं, गद्दियों के ऊपर ये सर लगा के बहुत अच्छे से सोता है, और इस टाइप से ये रहता है। ये स्ट्रीट डॉग है, और ये बाहर जब एक बार गया तो कुत्तों ने इसको काट लिया, और इसकी एज भी बहुत हो चुकी है, कम से कम ये 13-14 ईयर्स का हो चुका है। तो इसको कुत्तों ने खा लिया, फिर एक एनजीओ में शिफ्ट किया हमने, वहाँ से 20 दिन में आया। इसकी नो डाउट इसकी बहुत अच्छी उन्होंने मेडिसिन की, लेकिन खाने को ऐसे लगा कि इसको जैसे कुछ नहीं दिया हो, एक हड्डी इसकी निकल आई थी बिल्कुल, और बहुत पतला हो गया था, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया। फिर ये दोबारा इसको यहाँ छोड़ के चले गए, और ये अब यहीं पे रहता है। और मैंने भी एक इसका मोटा सा गद्दा लगाया हुआ है, इसके नीचे पन्नी बिछा के गद्दे की, कि पानी वगैरह ना जाए, और उसके ऊपर मैंने इसको शिफ्ट किया हुआ है। तो ऐसे ही छोटे छोटे अच्छे काम आप भी कर सकते हैं अपने सराउंडिंग, क्योंकि ये सिर्फ प्यार मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते, उसके बदले आपका प्रोटेक्ट कर